मुझे जो होटेल खुली थी अभिलाष अभिलाष बाबूर तांकर अजा जे कि आम नंद आज्ञा जगन्नाथ नंद से पहला मुझे ठेलाटे दे थी नीन से मोर पहला जीवन रे पहला से ओपनिंग करते मोर होटेल थी से बोले से एबे मास्टर थिले एबे से स्वर्गवासी गले जेते बेले मुई होटेल होटेल खुलनी ठेला छाड़ी देकरी सेटा तांकर पु रंजन नंद से आसिक ओपनिंग करते मोर दुकान खाई पहला कि खाई पहला ग्राहक हिसाब से तांकर लागि मुई आज मुई एते छोटे धंदा करी मुई एते दूर तो आसनी न इहादे तांकर नाती जगन्नाथ नंद नाती आसिक से आसिक भल लागुचे बोलिकि साना पिना करुचन जय बालांगीर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल स्वाद। आज मेरे साथ ब्लेस है, पूरब है और साथ में बिटू भी है, और हम चारों को लगी है जोरों से भूख। तो हम आज खाने वाले हैं बीरी के बड़े यानी उड़द के दाल से बने बड़े और समोसे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का मंदिर है। दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल ही गया कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अब तो पैसे भी कमा सकते हैं, रियल पेटीएम कैश कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक आ जाएंगे तभी तुरंत ही पिक कर लिया जाएगा किसी एक कमेंट करने वाले को और उसे 100 रुपये पेटीएम कैश दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक ऑफर और भी है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हमारे चैनल के, तो हम किसी एक सब्सक्राइबर के साथ एंजॉय करने वाले हैं बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अब दूर नहीं। दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि मौजूद है कुड़ासिया के नुआपोड़ा चौक में। अभी टिफिन स्टॉल पर कुलो जी के पिताजी मौजूद हैं और इनके पास एक टैलेंट है जो कि आपको देखनी चाहिए। गरम तेल में ये अपने हाथ को डाल लेते हैं, लेकिन इससे उनके हाथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ का समोसा और बीरी बड़ा जितना टेस्टी है, उतना ही टेस्टी यहाँ का इमली की चटनी है। ये देखिए दोस्तों, ये इमली की मोटी चटनी है, ये इमली की पतली चटनी है, और ये जो बाजू में है ये आलू और चने का झोल है। यहाँ पर समोसा और वड़ा खाने के लिए सुबह के 7 बजे से जोरों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों आप में से कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कई सारे प्याज तो ज़रूर काटे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी आंख बंद करके प्याज काटा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, अगर ना तो भी कमेंट में लिखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई फेक सीन नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल सीन है। आंख बंद करके ये प्याज भी काट लेते हैं बिल्कुल आसानी से और बड़ी तेज़ी से। इनका ये कारनामा दोबारा से देखिए दोस्तों, हाथ की तेज़ी को देखिए। वाह वाह, आहा क्या तेज़ी है भाई। ओहो, कट 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 खत्म। वाओ, बिल्कुल खत्म। बस स्टॉप के बिल्कुल नज़दीक ही ये टिफिन स्टॉल है, तो लोग बस से उतरते ही यहाँ पर आते हैं और गर्मा गर्म वड़े और समोसे का आनंद लेते हैं। दोस्तों पत्ते के दोने आजकल उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है जितना कि 10 से 15 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आप जब यहाँ पर आओगे तो पत्ते के दोने से आपको सर्व किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बड़े को कैसे डिप किया जा रहा है इमली के चटनी से। बस इसको अभी उठा लेंगे और देखिए दोस्तों कैसे सर्व किया जा रहा है। अभी इसको उठा लिया, अभी नमक डाला जा रहा है, काली नमक। ये देखिए दोस्तों, इमली की मोटी वाली चटनी, प्याज और ये आलू चना झोल। वाह,
अभी तो इसको खाकर आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ, पर ये किसी और के लिए था, हमारे लिए नहीं। तो उसको अभी आनंद आएगा और हमको थोड़ी देर बाद। ये भाई साहब यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं और वड़े खाते खाते यहाँ की पतली वाली इमली की चटनी और मोटी वाली इमली की चटनी के साथ साथ आलू चना झोल का भी जम के तारीफ कर रहे हैं। इन भाई साहब के बाजू में ही एक और साहब बैठे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि भीड़ कितने बजे लगती है। ये मेरा भाई ब्लेस है और खाते खाते जबरदस्त तारीफ कर रहा है। ये देखिए जो हमारे यूट्यूबर है वो कैसे खा रहे हैं और वो अभी बताएंगे ये इनका टेस्ट क्या है। बताइए। वाओ, कोई जवाब नहीं। और इसका सच में क्या इमली का पानी टेस्ट है, स्पेशल है? ये देखिए कैसे, बहुत ज़्यादा टेस्ट। ये देखिए खाने के लिए अभी अभी गर्म गर्म बड़ा निकला है और खाने के लिए यहीं पे कितनी भीड़। चलिए थोड़ा सा खट्टा मांग लेते हैं। आइए, ठीक है। ये जो है खट्टा पानी, इसको अभी ले दिए। और भैया ये पे जो खाने के लिए आए हैं तो ये पे कितना देते हैं, 10 का कितना देते हैं जो इतना भीड़? 10 में 3, ऑल ओडिशा में कहीं नहीं मिलता। 3? वाओ, वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी है। ये पे इतना सस्ता और इतना टेस्टी। अरे अरे अरे, ये बड़ा है, बिरी का बड़ा है। और ये ही बहुत टेस्टी है। ये भी बहुत टेस्टी है, मैं तो खा लिया। देखा जाए, ये इनके बेटे हैं। ये रहा हमारे बड़े भैया, अभी आ रहे हैं, ये नहीं थे, कहाँ काम पे बाहर गए थे। और ये जो बोल रहे थे उन्हीं का बेटे हैं। ये देखिए सब खा के ख़त्म कर लिया। देखिए देखिए इसको भी। सबसे अच्छी बात है ये पत्तल जो है, ये जो पत्ते का है। और बाकी कहाँ कैसे देते हैं, बाकी दुकान में कैसे देते हैं? वो जो डिस्पोजेबल देते हैं वो धरती के लिए अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट के लिए। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है, ये बहुत अच्छा है। और इसको खा के फेंके कहाँ? हाँ, डस्टबिन है ना यहाँ पर। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।